सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्य आर्ट स्टूडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंट्रेंस एग्जाम, BFA एंट्रेंस एग्जाम में हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। BFA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी करवाते हैं, उसमें थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि केवल प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, नहीं ऐसा बहुत कम होता है कि जिसका प्रैक्टिकल बहुत कमज़ोर होता है वो वहाँ जाके पढ़ता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि थ्योरी जिसकी प्रिपरेशन केवल कराते हैं लेकिन प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन नहीं कराते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही अपनी तैयारी कर सकते हैं, ना आपको टाइम कहीं जा करके देना होगा, केवल आपको घर पे अपना टाइम देना होगा। टाइम कहीं आने जाने में वेस्ट नहीं करना है, आपके पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। केवल आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आपको जो भी सिलेबस है वो निकालना है। आप जिस फील्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि BFA वाले ऐसा करें, वो सभी कर सकते हैं। जो भी फॉर्म भरे आप सिलेबस पहले निकाल लीजिए और उन सभी एक एक करके टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन तो यही पढ़ाई मुझे लगती है, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी क्वालिफाई करो, उसके बाद क्वालिफाई करो, प्रैक्टिकल एग्जाम क्वालिफाई करो, दोनों को मिला करके मेरिट बनता है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है ये पढ़ाई ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसका दो बार में सिलेक्शन होता है। करो तो आपका थ्योरी बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप प्रैक्टिकल दे पाएंगे। जिनको भी लगता है कि मेरा आर्ट अच्छा है या फिर जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो अपनी आगे की पढ़ाई इसी क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूरी है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि इसमें थ्योरी एग्ज़ाम ही होता है या प्रैक्टिकल भी होता है, या प्रैक्टिकल केवल होता है या थ्योरी होता है। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। बहुत लोग को बहुत ज़्यादा गलत फहमी है कि आर्ट की पढ़ाई में थ्योरी का क्या काम, केवल आर्ट ही बनाना आना चाहिए या फिर आर्ट ही बनाने को मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ अपने नॉलेज को बढ़ाइए या पता कर लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कम से कम उन लोगों से जो आर्ट की पढ़ाई करते हैं। बस आप लोग जज करने लगते हैं कि आर्ट ही तो है, आर्ट ही तो पढ़ना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो कोई भी पढ़ाई, कुकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ पढ़ने को होता होगा, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। फिलहाल चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको सिलेबस डिक्लेयर करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक को क्लियर करना है, उसको राइट डाउन करिए, हर एक टॉपिक को क्लियर करिए। इसमें आपको इंडियन आर्ट भी पढ़ना है और यूरोपियन आर्ट भी पढ़ना है, इंडियन आर्टिस्ट भी पढ़ना है, यूरोपियन आर्टिस्ट भी पढ़ना है। इंडियन आर्ट में जैसे प्री स्टोरी के वैसे ही यूरोपियन आर्ट में भी प्री स्टोरी, यानी प्रागैतिहासिक कला अगर इंडियन की है तो प्रागैतिहासिक कला यूरोपियन की है। वहाँ की भी लास्को गुफा है, अल्टामिरा गुफा है, ऐसे यहाँ पे मिर्ज़ापुर में लखनिया दरी है, या फिर बहुत सारे भलडरिया, लखनिया, सिंहनपुर, होशंगाबाद, ऐसे करके बहुत सारे हैं। आप जैसे ही इसकी टॉपिक क्लियर करेंगे आपको हर टॉपिक में कुछ ना कुछ स्पेशल जानने को मिलेगा। अगर आपकी आर्ट में दिलचस्पी है तो आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हिस्ट्री है, लेकिन आपको पहले की हिस्ट्री को जानने में अगर रुचि है और जानना चाहेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो पहले तो लगेगा कि क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टॉपिक जैसे ही क्लियर होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि मैंने अपने ही देश में या फिर बाहरी यूरोपियन कंट्री में क्या क्या हो चुका है, या आज से कितने वर्ष पूर्व हम कैसा कुछ था, आदि मानव था। चाहे आप सिंधु सभ्यता की ओर जाएं तो उसमें आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। मोहनजोदड़ो से जहाँ से मुर्दों का टीला मिला हुआ है, इसी तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें मिश्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, क्रीट सभ्यता, क्रीट माइसिनिया, बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला, ये सारी चीज़ें आपको यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। इंडियन आर्ट में आपको ये भी पढ़ने मिलेगा जैसे बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में, अजंता गुफा में उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है और बाकी गुफाओं में भी हुआ है। ऐसे करके बहुत सारी गुफाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे बादामी की गुफा में आपको शिव से संबंधित सारे चित्रों के बारे में पढ़ना है, उसमें कौन सा धर्म है कौन सा धर्म नहीं है। सित्तर महासल की गुफा है, जोगी मारा गुफा जैन धर्म से रिलेटेड है, ये गुफाएं कहाँ स्थित है इसके बारे में पढ़ना है, कौन से धर्म से रिलेटेड है और किस टाइप के चित्र बनाए गए हैं, कौन से तकनीक में बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी होगी। और आपको आर्टिस्टों के भी बारे में पढ़ना है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेर गिल, रवि वर्मा, सबसे पुराने जो हमारे सबसे मेन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शुरुआत की थी आर्ट की, वो है राजा रवि वर्मा। यहीं से स्टार्ट होता है, राजा रवि वर्मा के बाद ये सारे आर्टिस्ट आएंगे। जब हम बात करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री की यानी यूरोपियन आर्ट के बारे में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो,
राफेल, ये सारे पुनरुत्थान काल के हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे करके बहुत सारी चेंजिंग हुई है। तो आप जैसे ही टॉपिक क्लियर करेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी हो सकता है मेरी बातें सर के ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर आप आर्ट में पढ़ाई करने वाले हैं तो पहले अपने सिलेबस को क्लियर करें, उसको राइट डाउन करें, फिर उसे रीड करें, पर डे के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएं। मान लीजिए आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्लियर करना है, आपको थोड़ा पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन आएंगे, आपको थोड़े कन्फ्यूजन वाले होंगे, उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, एक ही सही भी होगा, तो उस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहानी सब लोग लिख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर एक पन्ना दो पन्ना में देना बहुत आसान है, लेकिन उसको केवल एक आंसर में क्लेरिफाई करना, डिक्लेयर करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका जब तक सही आंसर ना पता हो टिक ना लगाएं। अगर माइनस मार्किंग है तो टिक तो बिल्कुल भी ना लगाएं, केवल जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही पता हो केवल आप वो ही लगाएं, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी पता ना हो, यानी आपको ना आता हो, आपको कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, उसे छोड़ दें। अगर आपको लगता है आपको बाद में याद आ जाएगा तो बाद के लिए छोड़ दें, बाद में आप लगा लीजिएगा, लेकिन जहाँ पे माइनस मार्किंग हो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ माइनस मार्किंग ना हो आप वहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या कैसे कब आई वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री, मतलब एक तरीके का वो पूरा हिस्ट्री है, आप कब कौन सी क्या चीज़ें आई, कौन सी तकनीक किसने यूज़ की, कौन नहीं किया, बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इनफैक्ट आपको लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आज से काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी वर्ष, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं काफ़ी वर्ष पहले की आज की कोई भी चीज़ बनाई हुई नहीं है। और बात करते हैं रेनेसा पीरियड या फिर क्यूबिज्म, आपको पढ़ने मिलेगा एक्सप्रेशनिज्म, पोस्ट इंप्रेशनिज्म या फिर इंप्रेशनिज्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको नए नए आर्टिस्ट के बारे में पढ़ने मिलेगा। उनका जब आप वर्क देखेंगे, उनको पढ़ने के बाद उन्होंने कौन सा वर्क किया है, उनके वर्क में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसे ही इंडियन आर्ट में भी आपको पढ़ना होगा कि इंडियन आर्ट में कितने आर्टिस्ट हैं, कौन से किस लिए फेमस है, कौन से स्कल्पचरर हैं यानी कौन मूर्तिकार हैं, कौन केवल पेंटिंग करते हैं, कौन छापाकार है, छापाकार यानी प्रिंट मेकिंग किसने किया हुआ है, या किस चीज़ से कौन फेमस है। जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके जन्म के भी बारे में पूछ लेते हैं कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था, यानी कौन से सन में हुआ था, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। क्या चीज़ कब स्टार्ट होती है, कब एंड होता है, ये सारी भी चीज़ें पढ़नी है। और एक एक चीज़ को माइंडली फोकस करिएगा, अगर बुक है तो बुक में टिक मार्किंग करिए, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मोबाइल पर भी अवेलेबल है। हालाँकि सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको बुक लेना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक की आवश्यकता है, यानी कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दो चीज़ें आती हैं, स्टिल लाइफ आती है और कंपोजिशन आता है। स्टिल लाइफ क्या होता है कि कुछ सामान हो या केतली हो, ग्लास हो, कुछ भी सामने रख दिया जाएगा, उसे स्थिर जीवन बोलते हैं, और उसको आपको सेम टू सेम उसका कॉपी करना है अपने पेज पे। हो सकता है आपको पेंसिल में ही केवल बोला जाए कि आप ग्रेफाइट से ही आपको उसको निकालना है, मतलब बंद करना है, बिल्कुल वैसा ही लिखना चाहिए जैसे वो सामने रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कलर में भी दे दिया जाता है, कंपोजिशन भी होता है। कंपोजिशन क्या होता है, संयोजन, ह्यूमन बींग का कंपोजिशन दे दिया जाएगा, जैसे पूजा करती हुई महिला, मेले में घूमते हुए बच्चे या फिर झूला झूलते हुए बच्चे, यात्रा करते हुए लोग। आपको फीमेल फिगर हर में देना ज़रूरी है, अगर उसमें महिला फिगर, फीमेल फिगर बोला है तब तो ज़रूरी है ही, अगर नहीं भी बोला है तो भी आप फीमेल फिगर दीजिएगा। एक दो फिगर, दो से तीन फिगर आपकी कंपोजिशन में होना चाहिए। कुछ बच्चे का हो गया, एक पुरुष का हो गया यानी मेल का, और एक फीमेल का होगा। फीमेल में ये होता है कि सभी लोग फीमेल के फेस को पकड़ नहीं पाते हैं, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है अगर नहीं भी बोला गया फीमेल फिगर को, अगर आपने दे दिया, क्योंकि उसमें साड़ी की फोल्ड्स होती हैं। पैंट शर्ट बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साड़ी वगैरह डिफाइन करना, अपने आर्ट से निखारना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और कंपोजिशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरी ये है कि आपका जो फेस के हिसाब से लंबाई है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी बॉनी ना दिखे, फेस के हिसाब से बहुत बड़ी ना हो जाए शरीर या बहुत छोटी ना हो जाए। आपको इसके लिए स्केच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मेरा खुद का राय है कि कंपोजिशन अगर बनाएं तो फेस की ड्राइंग सुंदर करें, यानी जितनी खूबसूरत आपसे बन सकती है आप उतनी ही खूबसूरत बनाएं। उससे क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो फेस मतलब दूर से भी देखने पे आपका ड्राइंग सुंदर दिखेगा और आपको वो मार्किंग कर देंगे, यानी प्लस पॉइंट होता है ये सारी चीज़ें कि हाँ क्या सुंदर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुंदर ना बनाए केवल फेस सुंदर बना के आ जाए, नहीं, सब कुछ ज़रूरी है। मैंने एक प्लस पॉइंट बताया कि कैसे आपको नंबर गेन करना है। क्या होता है कि जब भी हमको पेपर मिलता है, सबसे पहले तो उसका एरिया
जो भी पेपर मिलता है कि आपको बीचों बीच बनाना है, एकदम किनारे नहीं बनाना है, बिल्कुल कंपोज करके बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी फिगर इधर बना दिया, कोई फिगर इधर बना दिया, उसको कंपोज होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे से जुड़ा हो, तो उनका संबंध एक दूसरे से होना चाहिए। अगर कोई फिगर है तो किसी फिगर के पीछे ऐसे, जैसे ये हाथ हमें बनाना है तो ये देखिए ऐसे ये कंपोज है हाथ, अब इसको हम ड्राइंग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल कंपोज नहीं है। कोई भी चीज़ को कंपोज, मेरे पीछे एक पेंटिंग रखी हुई है, ये भी एक कंपोज के रूप में बनाई गई है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इस मेरी इन सारी बातों पे बताए हुए जो भी मैंने टॉपिक आपको क्लियर किया है, अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आने जाने का, केवल आपको जो तैयारी वहाँ 3-4 घंटे देंगे, आप अपने घर पर ही उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर आप इस बहुत ही ऑनेस्टली अगर इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और इस पर वर्क करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरा जो भी वीडियो नेक्स्ट आए आपको शो करने लगे। ऐसे ही आज से मेरे नॉलेज के साथ मैं फिर मिलूँ।